जब भी कोई इंसान अपनी 30 साल की उम्र तक जाता है तो वो ऐसी बहुत सारी गलतियां हैं जो उसे नहीं करना चाहिए, और जब उसकी वो उम्र निकल जाती है तब वो सोचने बैठता है कि काश मैंने वो गलतियां नहीं की होती तो आज मेरा जीवन कहीं और होता। तो आज हम जानने वाले हैं 30 साल की उम्र तक 3 ऐसी गलतियां जो आपको जीवन में कभी नहीं करना है। उससे पहले यदि आपने हमारे नए चैनल महेंद्र दोगने लाइफ कोच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाले सारे नए वीडियोस आपको प्राप्त हो सके। पहली गलती जो युवा करते हैं वो वर्तमान के प्रॉफिट देखने के चक्कर में भविष्य का नुकसान भूल जाते हैं। जब भी हम युवा होते हैं तो सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी किसी चीज में प्रॉफिट कैसे मिल जाए, क्योंकि उन्हें लगता है कि भविष्य किसने देखा है, और इसी चक्कर में वो जल्दीबाजी करते हैं और कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो वर्तमान में तो उन्हें प्रॉफिट देते हैं लेकिन भविष्य में बहुत ही नुकसानदायी साबित होते हैं। चलिए इस बात को एक रियल लाइफ के एग्जांपल से समझते हैं। एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स थे, उनको तो आप सभी जानते हैं, लेकिन आप में से कितने लोग रोनाल्ड वैन को जानते हैं? जब एप्पल कंपनी की शुरुआत हुई थी तो रोनाल्ड वैन वो व्यक्ति थे जो कंपनी के 3 को-फाउंडर में से एक थे। उस समय उनके पास कंपनी के 10% शेयर थे, लेकिन उनको लगा कि ये कंपनी ज्यादा आगे तक नहीं जा पाएगी और इसलिए मात्र $800 में उन्होंने वो 10% शेयर को बेच दिया। लेकिन यदि आज उनके पास वो 10% शेयर होते तो वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक होते। इसलिए कहते हैं कि किसी भी चीज को भविष्य देखकर आपको करना चाहिए। चलिए इसी बात को एक और एग्जांपल से समझते हैं। आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त के खाने में रोज थोड़ा थोड़ा जहर मिला दिया करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य को ये बात पता नहीं थी। आचार्य चाणक्य ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को जहर की आदत हो जाए और उन पर जहर का असर ना हो, ताकि भविष्य में यदि कोई व्यक्ति चंद्रगुप्त को जहर देकर मारने की कोशिश करे तो वो असफल हो जाए। इसलिए आप हमेशा याद रखें कि जब भी आप कोई नया काम शुरू करें, कोई नए रिश्ते बनाएं, अपने करियर के बारे में कोई फैसला लें, या फिर अपनी फैमिली के बारे में कोई भी फैसला लें, उससे पहले उस चीज के भविष्य के बारे में जरूर सोच लें। पहले सोचें कि उसका भविष्य क्या होगा, उसके बाद आप फैसला लें। दूसरी गलती जो एक युवा करता है वो कर्म करने के पहले भूल जाता है कि वो कर्म आज कर रहा है और उसका फल उसे भविष्य में मिलेगा। आज का युवा जब भी कोई कर्म करता है तो उसे लगता है अच्छे कर्म का फल तो उसे आज ही मिल जाएगा, लेकिन जो भी वो बुरे कर्म करता है उसका फल उसे नहीं मिलेगा। लेकिन आप याद रखिएगा, आप आज जो भी काम कर रहे हो उसका फल आपको भविष्य में मिलेगा। इस बात को मैं आपको महाभारत की एक घटना से समझाता हूँ। अंबा, अंबिका और अंबालिका काशीराज की 3 पुत्रियां थी। उन तीनों का स्वयंवर चल रहा था, लेकिन उस स्वयंवर के बीच में ही भीष्म पितामह आ गए और उन्होंने उस स्वयंवर को रुकवा दिया और तीनों को हस्तिनापुर ले गए ताकि उन तीनों का विवाह विचित्र वीर के साथ करवा सके। अंबिका और अंबालिका तो शादी करने के लिए राजी हो गई, लेकिन अंबा शाल्वराज से प्रेम करती थी। उन्होंने विचित्र वीर से शादी करने के लिए मना कर दिया, लेकिन जब वो शाल्वराज के पास पहुंची तो शाल्वराज ने अंबा से ही शादी करने के लिए मना कर दिया। इस बात पर अंबा बहुत ही क्रोधित हुई और कसम खाई कि वो भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनेगी, और बाद में अंबा ने ही शिखंडी के रूप में जन्म लिया और वही भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनी। इसलिए यदि आप आज अच्छे कर्म करोगे तो भविष्य में आपको उसके अच्छे ही फल मिलेंगे। तीसरी गलती जो आप 30 साल से पहले बहुत करते हैं, आप आज के काम को भी कल पर टालते हैं। एक युवा की एक बहुत ही बुरी आदत होती है कि वो आज के काम को भी कल पर टालता है, क्योंकि उसे दोस्तों के साथ घूमने जाना है, उसे मूवीज देखना है, उसे गेम्स खेलना है और उसे अपने रिलेशनशिप को टाइम देना है, और इसी वजह से वो आज के काम को भी कल पर टालता है। लेकिन एक सफल व्यक्ति ऐसा कभी नहीं करता है, वो कल के काम को भी आज ही खत्म कर लेता है। कहते हैं कि अभिमन्यु जब अपनी माता के गर्भ में थे तभी उन्होंने चक्रव्यूह भेदन का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये ज्ञान कब काम में आएगा, लेकिन जो चीज उन्हें कल सीखनी थी उन्होंने उसे आज ही सीख लिया था। इसलिए आप हमेशा याद रखना, जीवन में इन 3 गलतियों को कभी मत करना। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर करें। यदि अभी तक हमारे नए चैनल महेंद्र दोगने लाइफ कोच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।